तो जब भूख से मरेंगे तो हमारी शरण में आएंगे, तब देखा जाएगा कि उनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं भली भांति अपनाए, तब देखा जाएगा। तो क्या किया, बोले यही विधि सब ही अज्ञाधीन ही, और आपुन चले वो गदा कर ली नहीं, स्वयं भी गदा उठा के निकल गया रावण। तो निकला ना जैसे ही, तो चलत दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, दिगपालन के भवन सुहाए। बड़े बड़े घर रावण पहुंचा तब, तो सुने सकल दशानन पाए, सब खाली घर। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा, सब गरी कंदराएं सब खाली, रावण के डर के मारे सब घर घर छोड़ के भाग रहे हैं, ताला लगा हुआ है सबके यहाँ। रन मत मत फिर ही जग धावा, और प्रतिभट खोजत लेकिन कतहू न पावा, युद्ध करने के लिए जा रहा है सब जगह कोशिश कर रहा है कि हमारे बराबर का कोई मिले तो युद्ध करने वाला, लेकिन सब लोग इधर उधर भागे। तो ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, सब दस मुख बस बरती नर नारी, भुजबल विश्व भस्य करी, राखे सी को न स्वतंत्र मंडलीक जिमि रावण, राज करसी निज मंत्र। रावण सारे विश्व में अपने मंत्र के अनुसार राज करने लग गया, जैसा वो चाहेगा वो होगा, जो वो कहेगा वही धर्म है, जो वो करेगा वही धर्म है। तो माताओं बंधुओं क्या हुआ, जब धर्म के ऊपर इस प्रकार घात होने लग गया, तब अतिशय देखी धर्म का ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। माता पृथ्वी व्याकुल हो गई, क्या करे, कौन बचाएगा, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़ी नदियां, बड़े बड़े समुद्र मेरे पे इतना भार नहीं डाल सकते जितना एक दुष्ट मेरे ऊपर अगर आ जाए तो उस दुष्ट का भार मेरे लिए जितना मुझे कष्ट देता है। गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, और जस मोही गरु एक पर द्रोही, जैसे एक पर द्रोही मुझे कष्ट देता है। तो क्या किया माताओं बंधुओं, माता पृथ्वी ने गऊ का रूप बनाया, माता गऊ का, माता गाय का रूप बना के गई। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, और गई गई तहा जहां सुर मुनि झारी, जहां सारे देवता थे, जहां सारे संत थे, सबके पास गई और जाकर के वही अपना दुखड़ा रोया, वही अपना कष्ट बताया, क्या करूं मैं, मेरी मदद करिए, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। निज संताप सुनाये सिरोई, लेकिन काहू से कछु काज न होई, लेकिन करने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, माता पृथ्वी इधर उधर भटक रही हैं। तो क्या किया, सबने कहा माता पृथ्वी एक बात सुनो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अरे भाई हम कौन है, हमने थोड़ी ये सृष्टि बनाई है जो आप आकर के हमसे मदद मांग रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं उन ब्रह्मा जी के पास जिन्होंने सृष्टि बनाई, उनसे पूछेंगे कि आपने क्या इस सृष्टि में गड़बड़ कर दिया, ये कैसी बनाती, हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतनी समस्या आ गई है। तो सबने क्या किया, कहा चलो वही ब्रह्मा जी से जाके शिकायत करें। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे बिरंची के लोका, और संग गोतन उधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। माता पृथ्वी साथ में दुखी है, मदद करिए ब्रह्मा जी, मदद करिए, अब सारे सुरमुनि खड़े हैं, ब्रह्मा जी मदद करिए। अब ब्रह्मा जी भी बेचारे क्या मदद करें, माताओं बंधुओं ब्रह्मा जी की हालत तो वो थी, क्या कहें किसी से, भाई जो जितना बड़ा होगा उस पर चिंता उतनी ज्यादा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग तो छुप के इधर उधर भाग भी सकती हैं, हम कहाँ जाएं, हम तो ब्रह्मा हैं, हमारे पास जब रावण आ जाता है तो हमारी क्या हालत होती है आपको नहीं मालूम, आप तो छोटे। तो ब्रह्मा जी की क्या हालत थी जानते हैं, जैसा हम लोग कहते हैं ना माताओं बंधुओं,
कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब हमारी समस्या है कि हमको एक के दो दिखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप चार लोग एक साथ मत आइए, एक एक करके अपनी शिकायत बताइए, चारों आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। कहने का अर्थ है, डॉक्टर को एक के चार दिखते थे। तो ब्रह्मा जी की वही हालत थी। उन्होंने कहा, आप हमारे भरोसे आ रही है, हम क्या बताएं कि हमारी क्या हालत है, आपसे ज्यादा दुखी है हम। ब्रह्मा सब जाना और मन अनुमाना कि मोर कछु न बसाई, अरे जा कर तय दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। अरे आज जिनकी दासी हैं हम भी उन्हीं के दास हैं, हम दोनों के वही सहायक हैं। चलो हम लोग चले उन्हीं के पास चल के मदद मांगे, निकालो सब लोग गाड़ियां, चलो प्रभु के पास। अब माताओं बंधुओं सब निकले, चलो चलो प्रभु के पास, चलो प्रभु के पास चलो। तो एक ने कहा, एक बात बताओ, चलो चलो कर रहे हो, जाना कहाँ है पहले ये तो बताओ, कोई पता जानता है, एड्रेस मालूम है प्रभु के पास जाएं कहाँ हम लोग, निकाल तो ली आप लोगों ने गाड़ी, कहाँ जाना है मालूम है, जैसे कुंभ मेले में निकलना हो, किसी महात्मा जी के यहाँ जाना हो तो निकलते, चलो चलो महाराज जी के यहाँ चलना है। तो दो चार लोग बोलते, भाई किस तरफ है, इस तरफ मुड़े, किस तरफ मुड़े, पहले ये तो पता कर लो महाराज जी रहते कहाँ है, यही पहुंच जाओगे। तो वही कहा देवताओं ने, एक बात बताओ, जाना कहाँ है पहले ये तो तय कर लो, किस तरफ जाए। तो बैठे सुर सब कर ही बिचारा, हाँ भाई ये तो नहीं मालूम कि प्रभु के पास कहाँ जाना है, कहाँ जा कहाँ पाई ये प्रभु करी ये पुकारा। तो एक बोलता है, मुझे मालूम है उनका एड्रेस, मैं जानता हूँ पता, पुर बैकुंठ जान कहाँ कोई, बैकुंठ में रहते हैं प्रभु मुझे मालूम है, पता मालूम, मैं मिलके आया था पिछली बार उनसे। तो दूसरे ने कहा, अरे रे वो पुरानी बात थी, जब से शादी की है बदल लिया है पता, घर जमाई हो गए हैं अब क्या। बोले कौ कह पयनिधि बस प्रभु सोई, अब क्षीर सागर में रहने लग गए हो लक्ष्मी माता के साथ, वो एड्रेस बदल गया, नीचे चले गए। तो तीसरे ने कहा, एक बात बता दूं, कोई ऐसा नहीं है, कोई जमाई हुआई नहीं बने, वो तो भगवान क्षीर सागर गए, उनसे ज्यादा भक्ति हम दिखा देंगे तो हमारे घर में आ जाएंगे। जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा एही रीति। वो तो जहां पे भक्ति उनको ज्यादा दिख जाएगी वो वहीं तुरंत प्रकट हो जाते, कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं बदलते। तो क्या हुआ, माताओं बंधुओं वहीं पे महादेव भी बैठे थे। तो महादेव ने, देखिए आप रामचरितमानस यही संस्कार सिखाती है, देवों के देव महादेव बैठे हैं, सारे देवता बैठे हैं, सारे देवता पंचायत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्रभु कहाँ है। देवों के देव महादेव चाहते तो कहते पहले हमको बोलने दो, सबसे बड़े हम हैं। लेकिन याद रखिए, यही आपका बड़प्पन, यही आपकी गंभीरता। हम लोग कहते ना कि व्यक्ति गंभीर नहीं है, कोई चुप बैठता है और हम लोग कहते ना गंभीर है, गंभीरता है उसमें, जब कहा जाता है तभी बोलता है वो, या जब अनुकूल समय लगता है तब बोलता है। तो कहने का अर्थ है, महादेव चाहते कि सबसे पहले बोल देते वो, लेकिन उन्होंने देखा कि पहले इनको बात कर लेने दो। अच्छा दूसरी बात, बात भी कर रहे थे तो सब हवा में बात कर रहे थे, पहले अभी तक कोई अनुकूल बात नहीं कर रहा था, महादेव जो कहना चाह रहे थे उस लाइन पे कोई आ नहीं रहा था। कहने का अर्थ यह है कि अगर 20 लोग बैठे हो ना, और उदाहरण से मैं ये बताऊं कि 20 लोग में से मान लीजिए 10 लोग मान लीजिए हो, या 5 लोग मान लीजिए समाजवादी पार्टी के हो, 5 लोग बसपा के हो, 5 लोग बीजेपी के हो, 5 लोग कांग्रेस के हो, चारों पार्टियां ले ली और वो बात कर रहे हैं, तो आप भी कोई ना कोई के तो मन में होंगे ही, किसी के समर्थक। तो तब तक मत भिड़िएगा जब तक पता ना पड़ जाए कि इसमें से दो चार अपने हैं या अपने अनुकूल बात हुई, तब तक चुपचाप चलने दिए जिसकी बात चल रही है, नहीं तो आप पे भिड़ जाएंगे। अगर क्या मालूम वो 18 के 18 एक ही पार्टी के हुए या 19-19, तो आप फिर उसमें पिस जाएंगे। तो महादेव वहां बैठे पहले सुन रहे हैं कि इन लोगों की बात तो देखे हम, ये सगुण साकार प्रभु की पार्टी की बात कर रहे हैं कि निर्गुण निराकार प्रभु की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही एक से समझ में आया कि ये निराकार निर्गुण निराकार प्रभु की पार्टी के हैं, तो महादेव फौरन बोल पड़े, तेही समाज गिरिजा मैं रहे हूं, तेही समाज गिरिजा मैं रहे हूं, तेही समाज
गिर जा मैं रहूं, और अवसर पाई बचन एक कहूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो सही कहा आपने, प्रेम से प्रगट होने वाले हैं। देश काल दिश विदिशि हुमाही, और कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी जगह है बताओ जहां प्रभु नहीं है इस संसार में। अग जग मैं सब रही तो विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। तो मोर वचन सबके मन माना, और साधु साधु कह ब्रह्म बखाना। सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवान तो सब जगह है। ऐसी कौन से स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहां प्रभु नहीं है बताओ तो। तो सबने कहा तो फिर प्रभु प्रकट कैसे होते हैं। कहा देखिए ऐसा है, प्रभु तो प्रकट होते हैं पुकार से। जैसी पुकार लगाएंगे, जैसे आप बुलाएंगे, वैसे प्रभु प्रकट होंगे। तो कहा तो चलिए हम लोग भी चल के पुकार लगाएं प्रभु को, प्रभु को बुलाएं। अब माताओं बंधुओं सारे देवता, माता पृथ्वी के साथ प्रभु को पुकार लगाने लग गए कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय गोद्विज गोद्विज तनुधारी जय असुरारी सिंधु सुता श्रीकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। अरे जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी जन अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गन गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करौ अघारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा भव पारिधि मंदर जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा तो मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। आज कोई चालाकी नहीं कर रहे प्रभु, शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना। प्रभु जिन प्रभु की स्तुति बड़े बड़े वेद नहीं कर पाए, माता सरस्वती नहीं कर पाए, शेषनाग अपने सहस्त्र मुख से नहीं कर पाए, शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवाना भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर अरे नमत नाथ पद कंजा। प्रभु हम सब बहुत डरे हुए हैं, हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रभु, हम सब बहुत भय में हैं। अरे प्रभु हमारी रक्षा करिए किसी प्रकार। तो जानी सभय सुर भूमि अति और बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। माताओं बंधुओं भगवान ने पुकार सुन ली देवताओं की। भगवान ने कहा देखिए देवताओं आप लोग चिंता मत करिए, और सबसे पहला काम यही करिए। आपने कहा परम भयातुर, तो सबसे पहले अपना भय त्याग दीजिए, डर त्याग दीजिए, हम आपके साथ हैं।
जनी डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेशा। आकाशवाणी हो रही है, प्रभु कह रहे हैं जनी डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा। मैं आऊंगा ना, अगर रावण ने ये बात कही है कि वानर, तो वही नर बन के आऊंगा मैं। तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा कश्यप अदिति महातप कीना तिनका मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही उनके यहाँ आऊंगा मैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के रूप में जब वो आएंगे और माता कौशल्या के रूप में जब आएंगी माता अदिति। तिनके ग्रह अवतरी हूँ आई और रघुकुल तिलक सुचारी हूँ भाई। हरि हूँ सकल नारद बचन सत्य सब करी हूँ और परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। सबसे पहले भी कहा डरो मत, बाद में भी कहा डरो मत, चिंता छोड़ दो, मैं आऊंगा, समय जरूर लगेगा लेकिन मैं अवश्य आऊंगा। माताओं बंधुओं, भगवान ने आश्वासन दे दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी अयोध्या जी में निवास कर रहे हैं और उनका चौथापन भी आ गया है, ध्यान दीजिए। और चौथापन आने के बाद भी पुत्र नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भयउ गलानी मोर सुत नाही। अरे पुत्र क्यों नहीं हो रहा, पुत्र क्यों नहीं हो रहा? तो माताओं बंधुओं, एक बार उनको ये ख्याल आया मन में कि पुत्र नहीं हो रहा, तो एक ही बार क्यों आया? भाई ये तो नित्य आता होगा, बार बार आता होगा, ये तो बहुत चिंता का विषय है। चौथा पन आ गया, पुत्र नहीं हो रहा, आता तो बार बार होगा, तो गोस्वामी जी एक बार क्यों लिख रहे हैं? कारण ये है कि रात आता तो रोज था, नित्य था, लेकिन इस बार जब आया तो उन्होंने एक और कार्य कर दिया साथ में, एक आवश्यक कार्य पहले नहीं करते थे, इस बार कर दिया। क्या? कि एक बार भूपति मन माही भयउ गलानी मोर सुत नाही। तो इस बार क्या किया कि गुरु ग्रह गयउ तुरत मही पाला। इस बार गुरुदेव के यहाँ पहुंचे, ध्यान दीजिए, पहले नहीं जाते थे, पहले मन महसूस के रह जाते थे। और चरण लाग करी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। देखिए चक्रवर्ती सम्राट अपने दुख सुख सब गुरु को सुनाते हैं, ये सीख देता है ये हम लोगों को, ये संवाद यर्धाली कि गुरुदेव से अपने सुख दुख होई ना बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। अपने सुख दुख सब बता देने चाहिए, वो आपको सही मार्ग ही बताएंगे, प्रयास करेंगे आपके दुख दूर करने का ही। यही हुआ, बोले निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अरे गुरुदेव पुत्र नहीं हो रहा, चौथापन आ गया, क्या करूं मैं? तो बोले अच्छा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, धरहु धीर धरहु धीर होई है सुत चारी। चार चार पुत्र होंगे, चार चार। तो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा वाह गुरुदेव मैं चौथे पन में आ गया और चौथे पन में आकर के आपसे वरदान मांग रहा हूं, तो आप कह रहे हैं चार चार पुत्र एक साथ होंगे? अरे पहले ही दे देते हमको एक एक पुत्र, पूरा पूरा हमारा युवा अवस्था आपने निकाल दी और जब चौथे पन की बारी आई तब आप भगवान की प्राप्ति करवा रहे हो, तब आप कह रहे हो पुत्र होंगे, ये कौन सी बात हुई? वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छे, चौथा पन आज तुमको याद आ रहा है, आज पता पड़ रहा है कि चौथा पन हो आ गया और तीन पनों का नुकसान हो गया, तीन आश्रमों में कुछ नहीं किया, चौथी आश्रमों में तो सुखी नहीं ले पाए हम पुत्र का, या दो आश्रमों में ब्रह्मचर्य के बाद दो आश्रम सुखी नहीं ले पाए, तो तीसरा अब तुम्हें समय बर्बाद लग रहा है कि समय इतना बर्बाद हो गया, तो एक बात बताओ ये समय पहले याद नहीं आया था बर्बाद हो गया था तुम्हारा? कब? बोले कब? बोले भवन बसत भा चौथ पन। कब गए थे तपस्या करने?
चौथे ही पन में गए थे ना, तो जब चौथे पन में मांगोगे तो चौथे पन में ही मिलेगा। ये सोचोगे कि चौथे पहले पन में मिल जाएगा चौथे पन में मांगने से, अरे भाई महाराज बनो चौथे पन में ही तो गए थे। तो कहा इसलिए आपको भी चौथे पन में ही ये प्रेरणा हुई, आपका समय भी चौथे पन का ही है, ध्यान दीजिएगा। धरहु धीर होई है सुत चारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जो जो भक्तों का भय हर लेंगे वो पुत्र होंगे। तो कहा कि अच्छा लेकिन वो पुत्र तो कब होंगे, होने दीजिए मैं प्रतीक्षा में हूं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होंगे, यज्ञ करना पड़ेगा आपको, यज्ञ से भगवान की अवतरण होगा, भगवान का अवतरण होगा, यज्ञ के बिना भगवान प्रकट नहीं होते। माताओं बंधुओं इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं यज्ञों के रूप में हूं इस सृष्टि में। कहा यज्ञ करना पड़ेगा, तो कहा कौन यज्ञ करेगा, कहा एक महाराज है वो यज्ञ करेंगे। तो माताओं बंधुओं जैसे जो टाट पहनता है ना उसको हम लोग कह देते हैं टाट बाबा, जो फलाहार करते हैं उनका नाम पड़ जाता है फलाहारी महाराज। आजकल तो ऐसे तो बहुत महाराज हैं जिनके एक एनवायरमेंट बाबा भी है, आप जानते हैं गोल्डन जी महाराज, कंप्यूटर बाबा, देखिए सब उनके पायलट बाबा जी सब। तो उसी प्रकार जो ये महाराज थे, ये महाराज सदैव श्रृंगी लिए चला करते थे, श्रृंगी, तो श्रृंगी लेके चलते थे, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ गया था। कहा उन्हीं को बुलाया जाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ कर दिया, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भक्ति के साथ आहुति दी गई, केवल कर्म करने के लिए नहीं किया गया। अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए तो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा अरे आप प्रकट हो गए, अब मुझे पुत्र मिल जाएंगे क्या, पुत्र हो जाएंगे मुझे। अग्निदेव ने कहा ये कौन से पुत्र की आप बात कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं समझ पा रहा हूं। तो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा अरे मैं तो इतनी सब मेहनत किया पुत्र के लिए, पुत्र क्यों नहीं होंगे। तो अग्निदेव ने कहा देखिए ऐसा है, आप किस लिए इतनी मेहनत की, इतना यज्ञ किया, ये हमें नहीं मालूम। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आपके गुरु जी जो चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं कि पुत्र होगा तो पुत्र होगा, वो चाहते हैं आपको संपत्ति मिले संपत्ति मिलेगी, यश चाहते होंगे तो यश मिलेगा। ये तो जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। ये तो आपके गुरुदेव से पूछिए वो क्या चाहते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है राजन, गुरुदेव मैं इतनी मेहनत किया, यज्ञ किया, इतना आंखों में धूल झोंका, आंखों में धुआं झोंका, संविदा लेके भाग रहा हूं इधर से उधर लकड़ियां लेते हुए, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे पास 100 काम और है, अब आपने मेरे को इस काम के लिए लगा रखा है, अरे यज्ञ के लिए मेरे से आप ले लेते खर्चा, कर देते यज्ञ, आपको जब आशीर्वाद ही देना था, आपके ही चाहे से सब कुछ होना है तो इतनी मेहनत क्यों करवाई। बसी जी ने कहा ऐसा है राजन, राजन अगर आपको फल चाहिए ना तो बिना सत्कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होती, बिना सत्कर्म किए पुण्य नहीं मिलता। आप क्या चाहते हैं कि हम आपको बिना कुछ किए ही आपको भगवान से मिला दें, यज्ञ करना आवश्यक है। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जब कोई मजदूर जो मजदूरी करता है और सुबह से शाम तक ईटा गारा उठाता है, दीवार बनाता है, घर बनाता है, और रात्रि में उसी दीवार के साइड में आके सो जाता है, वो मजदूर जब ऊपर जाएगा परमात्मा के पास तो प्रभु उससे नहीं पूछेंगे कि तुमने कोई यज्ञ क्यों नहीं करवाया, हवन क्यों नहीं करवाया, कथा प्रवचन सत्संग क्यों नहीं करवाया, कोई धर्म का कार्य क्यों नहीं किया, किसी की मदद क्यों नहीं की, क्योंकि वो तो अपना वैसे ही भोग रहा है प्रारब्ध, अपने परिवार को पाल लिया, यही बहुत बड़ी बात है मेहनत करके। लेकिन हम और आप जब जाएंगे तो हम आपसे अवश्य प्रभु ये प्रश्न करेंगे कि आपको तो हमने सामर्थ्यवान बनाया था, आपको तो हमने देने लायक बनाया था, तुमने कोई यज्ञ क्यों नहीं कराया, कोई हवन क्यों नहीं कराया, किसी की मदद क्यों नहीं की, धर्म कर्म में अपने धन को क्यों नहीं लगाया,
यही वशिष्ठ जी ने कहा, राजन यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे और बिना यज्ञ के ही सोचेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ये उचित नहीं है। राजा को अपनी प्रजा के लिए उदाहरण पेश करना है तो क्या करें, कहा लीजिए ये खीर जाकर के दे दीजिए, अपनी अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। अब राजन पहुंचे, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, काय काई कह सो नृप दयउ, रहियो सो उभय भाग पुनि भयउ, कौशल्या काय के ही हाथ धरी, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। माताओं बंधुओं खीर का बंटवारा भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। खीर जैसे ही आई, आधा भाग माता कौशल्या को मिल गया, जो आधा बचा था उसमें से आधा माता केकई को दे दिया, जो बचा हुआ आधा था उसके दो भाग हुए, और उन दो भागों ने एक भाग माता केकई ने अपने हाथ से और एक भाग माता कौशल्या ने अपने हाथ से माता सुमित्रा को दिया। हमको तो ऐसा लगता है, ध्यान दीजिएगा, दरअसल माताओं बंधुओं, सुमित्रा माता राजा जी की बहुत या समझ लीजिए सेविका थी या बड़ी परोपकारी थी, वो इतनी उनको किसी बात का लोभ नहीं था, यूं समझिए। माता कौशल्या बड़ी रानी थी इसलिए उनको देना आवश्यक था। माता केकई से केकई राज के साथ वचन हो चुका है और राजा जी की प्रिय भी हैं तो उनको देना आवश्यक था। सुमित्रा बेचारी बीच में थी, सुमित्रा माता हो सकता है, देखिए भाव है, मैं किसी किंवदंती की बात नहीं कर रहा, मैं मानस के केवल भाव की एक बात आपसे कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। माता केकई जब आई होंगी तो हो सकता है कि उनके लिए भाग ना बचा, और माता सुमित्रा के लिए जब देने को माता केकई ने कहा कि आप हमारा आधा भाग लीजिए, क्योंकि माता कौशल्या बड़ी है, हम सबकी आदरणीय है, तो माता कौशल्या ने कहा नहीं नहीं हम भी देंगे, ध्यान दीजिए। अब माता केकई ने कहा नहीं नहीं हम दे रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो कहा यदि देना ही है तो हमारे में से दो दीजिए, आप भी दे दीजिए हम भी दे दें। तो माता सुमित्रा ने कहा होगा कि वैसे तो मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पुत्र चाहे माता कौशल्या के गोद में हो और चाहे माता केकई के गोद में हो, पुत्र तो हमारे ही होंगे, इतना अपनापन था पूरे परिवार में, भी हम लोग देखेंगे अयोध्या कांड में, पुत्र तो हमारे ही होंगे, इसलिए दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस प्रकार दिया ना माताओं बंधुओं दोनों ने, तो माता सुमित्रा ने कहा वाह मेरी बहनों, आप लोगों ने अपना अपना हिस्सा इस प्रकार से यदि मुझे दिया है तो जाइए मैं भी ये वचन देती हूँ कि मैं सुमित्रा जो भी हिस्सा मेरे पास आप दोनों के हाथ से दिया हुआ आया है ये हिस्सा सदैव आप लोगों के लिए ही समर्पित रहेगा, ये मेरी सेवा कभी नहीं करेगा। यही कारण था माताओं बंधुओं कि सुमित्रा जी के दो पुत्र हुए, लेकिन बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की सेवा करते रहे, और दूसरे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति दृढ़ाई। शत्रुघ्न जी सदैव भरत जी की सेवा में लगे रहे, कभी माता की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहने का अर्थ है ये है समर्पण।